दर्शकों नमस्कार, खबर आ रही कन्नौज उत्तर प्रदेश से, जहां सपा सुप्रीमो के निर्देश पर कन्नौज से जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए श्याम सिंह यादव के नाम पर लगी मुहर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की स्वीकृति व प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल के निर्देश पर सपा जिलाध्यक्ष कलीम खान ने बुधवार को कन्नौज जनपद में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए सपा प्रत्याशी के नाम की घोषणा की। समाजवादी पार्टी की तरफ से श्याम सिंह यादव को जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए सपा का उम्मीदवार घोषित किया गया। सपा जिलाध्यक्ष कलीम खान ने बताया कि श्याम सिंह यादव, जो कि वर्तमान में वार्ड नंबर 23 से जिला पंचायत सदस्य चुने गए हैं, वो पार्टी के काफ़ी पुराने और सक्रिय कार्यकर्ता हैं, कई बार जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं। कन्नौज से जिला संवाददाता शिबू सैनी की रिपोर्ट, एंग्लो इंडिया न्यूज़। देखिए, समाजवादी पार्टी ने आज जिला पंचायत किया है ये मैं सबसे पहले माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि जो जीतने वाला प्रत्याशी है उसकी घोषणा करी है। और ये श्याम सिंह यादव हमारे 23 नंबर वार्ड से प्रत्याशी ले रहे हैं और जीत के भी आए, उनको ही माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने घोषित किया है। और हम सारे समाजवादी लोग उम्मीद करते हैं कि हम बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे चुनाव। तो इस बार नहीं, ये असल बात श्याम सिंह जो है ये पहले से जिला पंचायत सदस्य कई बार रहे हैं, इनकी वाइफ भी रही हैं और उसके बाद में ये बहुत पहले से समाजवादी लोग हैं, ये नया चेहरा नहीं रहे हैं। ये मतलब इनको पहली बार घोषित करा गया, इससे पहले संजू कटियार जी रहे हैं, ममता कन्नौजिया जी रही हैं दो बार। मतलब इस तरीके से हमारे पार्टी के जो लोग रहे हैं वो हमेशा समाजवादी ही लोग रहे हैं, कोई भी दूसरी पार्टी से आया हुआ प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ अभी तक। आप देख रहे हैं एंग्लो इंडियन न्यूज़। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि खबरों की अपडेट आपको मिलती रहे।